हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि आज रो रो कर बुरा हष्ट होने वाला है। मित्रों, अगले 48 घंटों के अंदर जो कि आप सभी कन्या राशि के लोगों को जीवन में बुधवार और गुरुवार के दिन जीवन के एक मजबूत डोर टूट जाने वाले हैं या जीवन में कुछ अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं, जीवन में कुछ अद्भुत लीलाएं लगने वाली हैं। आज आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार की खुशियां मिलेंगे, किन चीज़ों को लेकर मन में शांति और सद्भाव को स्थापित करने का कार्य हो सकता है, तमाम ऐसे समस्त समस्याओं का निदान हो सकता है जिनका जीवन पर कभी चीज़ों को लेकर अर्थ निकल कर आता है। आज आपका दिन का आज के दिन का व्यापार व्यवसाय की रियल लाइफ आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सब बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है, तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाने पर किस प्रकार शुभ व्यापार हो सकते हैं, तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण कामकाजों को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है। तो आप सभी कन्या राशि के लोगों को सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताना चाहेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी बढ़िया है और आप सभी को जीवन में सफलताओं को प्राप्त करने के मौके एक दरमियान आज आप सभी के जीवन पे मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। दोस्तों एवं मित्रगण, सहयोगियों का साथ मिलेगा, हर इच्छाओं को आप पूरा करने के सौभाग्य को प्राप्त करेंगे, हर चीज़ों को लेकर मन में मस्तिष्क में कुछ बेहतरीन विचार उत्पन्न होने की संभावनाएँ संभावित किया जा सकता है। दोस्तों, घर के नवीकरण अथवा बदलाव संबंधित विषयों पर विचार हो सकता है। आप पूरे मनोयोग के द्वारा घर के सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरी करने का प्रयास कर सकते हैं। संपर्क के जरिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल जाने वाली है। अनावश्यक खर्चों की वजह से बजट बिगड़ सकता है। नज़दीकी रूप से आज के दिन संबंधियों के आगमन से कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों को अंदाज बिल्कुल न करें, यह समय उन्हें उचित मार्गदर्शन देने की आवश्यकताएं होंगे। व्यवसाय संबंध अपनी योजनाओं को शीघ्र रखें, कार्यभार अधिक रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक लोन लेने परेशानियों का कारण बन जाता है। बेहतर होगा कि क्षमताओं के अनुसार ही आप सभी को हर कार्य को अंजाम देना है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे, प्रेम प्रसंगों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगे, संयमित रहें और अनियमित रूप से दिनचर्या और खान पान का असर आप सभी के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दोस्तों, आज परिवार से संबंधित जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत बातों को संतुलन बनाने की कोशिश करने होंगे। जिस विषय के बारे में आपको चिंता हो रही है उनका होना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, अभी डर को लेकर दूर करने की कोशिश जरूर करें। आज आप सभी को अभी डर को दूर करने की कोशिश करें। नकारात्मक विचारों का जो प्रभाव आपके जीवन पर है वह धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्राप्त हुए पद को कायम रखने के लिए और आपकी प्रगति कैसे हो सकती है इस बात पर ध्यान दें। मानसिक रूप से जब तक स्थिर महसूस नहीं करते हैं तब तक रिलेशनशिप से संबंधित बातों को बिल्कुल नहीं बढ़ाएं। हर चीज़ों को लेकर मन में शांति लाने का कार्य प्रयास को करने का बेहतरीन समय के साथ आप सभी को चलना पड़ सकता है। समय के साथ सभी कार्य को बेहतरीन करना पड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के जीवन पर होंगे। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती रहेंगे। आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं और आज के दिन आप रिलैक्स महसूस कार्यों को व्यतीत कर सकते हैं, ध्यान दे पा सकते हैं, कुछ नई योजनाएं बन सकते हैं। भविष्य में सकारात्मक परिवर्तन बन सकते हैं। कुछ व्यवधान अथवा चुनौतियाँ आ जाने से कुछ मैद व्यापित हो सकता है। ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, परंतु नकारात्मक बने रहें, सकारात्मक बने रहें, जल्दी ही परिस्थितियों में सुधार भी आएगा। मित्रों अथवा किसी भी सरकार के संबंधी के साथ व्यक्तिगत कारणों को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। दिन शुभ और बेहतर कार्य होंगे। जय मां विंध्यवासिनी।